आज हम महाराष्ट्रियन स्पेशल पोहा और मुरमुरे से बना नमकीन चिवड़ा बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो पतले पोहे लिए हैं, इसे नायलॉन पोहे भी कहते हैं। इसे मैंने छन्नी में डालकर छान लिया है और छानने के बाद इसमें से ऐसा बारीक चूरा निकला है, तो आधा किलो पोहे में से इतना चूरा निकला है। यहाँ मसाले लिए हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च है और 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच राई ली है, हमने 10 से 15 हरी मिर्च ली है, 1 कप करी पत्ता है, 250 ग्राम बूंदी है, आधा टेबलस्पून तेल, 1 कप मूंगफली और 1 कप रोस्टेड चना दाल। सबसे पहले हम पोहा क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लेंगे। इसे हिला हिला कर हम इसे 4 से 5 मिनट तक भूनते रहेंगे। कुछ इस तरह से मैंने 2 चम्मच यूज किए हैं, हिला हिला कर मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। अभी हम इसमें मुरमुरे भी ऐड करने वाले हैं, तो हम मुरमुरे भी रोस्ट कर लेंगे। मुरमुरों के ऊपर मैंने ऊपर से तेल ऐड किया है और थोड़ा हल्दी पाउडर भी मैंने 1/2 चम्मच इसमें ऐड करके इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है। मुरमुरे भी हम क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे। अब हम चूड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ तेल गर्म हो गया, मैंने राई और जीरा ऐड कर दिया, हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। हरी मिर्च हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे, इसे क्रिस्पी होने तक हम इसे चलाते रहेंगे। हरी मिर्च में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, ये आप प्रिकॉशन लीजिए। मूंगफली भी हम लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करते रहेंगे। करी पत्ता मैंने पहले से धोकर सुखा कर रख दिया है, इसलिए हम इसे बाद में डालेंगे। जब हम मूंगफली फ्राई करते हैं तो ध्यान रखिए कि मूंगफली जलना नहीं चाहिए और क्रिस्पी भी होना चाहिए, इसलिए हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। ये रोस्टेड चना दाल हम डालेंगे, तो ये फ्राई होने में बस 1 मिनट का समय लगता है। ऑयल की क्वांटिटी हमने यहाँ 1.5 टेबलस्पून ली है। करी पत्ता भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। चिवड़ा बनाने की रेसिपी में मैंने ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम यूज की है। तेल ऐड करेंगे और इसे हल्का भून लेंगे। चिवड़ा रेसिपी में रोस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे ये सब इंग्रेडिएंट्स रोस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ नमक भी ऐड कर दिया हमने, लाल मिर्च भी ऐड करते हैं, यहाँ हल्दी ऐड करती है। पोहा ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से हिलाएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, से कंटिन्यूस इसे हिलाते रहेंगे। मसाले ताकि पोहे में मिक्स हो जाए, इसमें बूंदी भी ऐड कर दी है और बूंदी डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। भुने हुए मुरमुरे भी डाल देते हैं। मुरमुरे ऑप्शनल है, अगर आप मुरमुरा नहीं यूज करना चाहते तो बिना मुरमुरे के भी ये बहुत अच्छा चूड़ा बनता है। नमक ऐड करते हैं, कुछ इस तरह से हम बड़े चम्मच से इसे 2 चम्मच से हिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। ये चूड़ा हमारा अभी रेडी है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, इसे चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये क्विक और इजी चिवड़ा आप जरूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।